नमस्कार जी हाँ, सरसों में बंपर तेजी। आपको बता दें, सरसों में आगे क्या करें, रोके या बेचे? बड़ा सवाल यही है कि जब भाव लगातार बढ़ रहे हैं और विदेशों में डिमांड भी अच्छी चल रही है, ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सरसों का सोयाबीन रखी हुई है वे क्या करें? तो अगर सब कुछ देखा जाए तो अभी इतना जल्दी भाव कम के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ साइड को देखते हुए यानी आधा माल निकालना देना चाहिए, क्योंकि जिस फसल का भाव इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा उसमें थोड़ी अनिश्चितता रहती है। और भी भाव ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं लेते हुए कम से कम माल जरूर निकाल सके। तो यहाँ आपको बता दें, भारत में खाद्य तेलों का बड़ा आयात है, जो 70% आसपास हमें आयात करने का इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम काम के कम करने को देते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका में जो है सरसों का भाव है, तो अमेरिका में सरसों की भाव की बात करें तो अगर तो सोयाबीन का तेल का भाव यहाँ पर 1,300 प्रति डॉलर से ऊपर सूरजमुखी, वहीं 1,600 और यहाँ पर 1,200 से ऊपर पहुँच चुका है। चीन में सोयाबीन की भारी डिमांड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये बात बहुत ही जल्द हो सकती है, लेकिन जानकारों की माने तो यूक्रेन और कनाडा के जो ऑयल सीड के आयात व निर्यात को मौसम से सही नहीं होने की वजह से उत्पादन कम हुआ है, और ही उन्हें निर्यात में कमी कर देनी चाहिए जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई में शॉर्टेज आ जाएगी। इन सब बातों को देखते हुए यूरोपियन और यहाँ पर यूनियन देशों में सरसों का भाव है यहाँ पर 600 प्रति टन पहुँच गया, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा अगर पिछले साल हफ्तों को देखें तो यहाँ पर 64.50 की वृद्धि की जाइए। आपको बता दें, इन तेलों के भाव विदेशों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे, इसीलिए अब इससे कंट्रोल करना चाह रहे तो, लेकिन बेल्जियम यानी यहाँ पर बनाने का सोया उपयोग प्रतिबंध लगा दिया, इसी को देखते डिमांड में आई कमी भाव काबू नहीं पा जा सकते। हालांकि इसका कारण भी डिप्रेशन में बताया गया है। आपको बता दें, क्या कल सरसों में 200 में 300 रुपये को हमें मंदी देखने को मिली, ऐसे में जाना जरूरी है क्या, और मंदी आने के आसार है? इसका सीधा जवाब नहीं है, फिर भी आपको बता दें मंदी आने के चांस कम है। इसकी वजह जानने के लिए आपको विदेशों की हालचाल भी बताया मैंने। सरसों में क्या करें आगे, तो जैसा कि आप सबको भी पता है तेल का भाव भी 200 रुपये से ऊपर जा चुका है, ऐसे में बिल्कुल भी सरसों में तेजी आने की संभावना बन नहीं है, लेकिन आप अपना माल सवे विवेक से बेचें, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हालांकि हमारे जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको हम बता रहे हैं।